आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। फर्स्ट टाइम एक कला की दुनिया में एक बहुत ही सुंदर फिल्म आपने बना के तैयार किया है। इसमें बहुतों का कठोर प्रयास रहा है। दत्तुरी साहब ने इसको स्पॉन्सर किया है और हमारा दर्बम तायंग साहब ने इसको डायरेक्शन दिया है। हमें आशा है कि ये फिल्म हमारे समाज को जोड़ने में सिर्फ दो समाज नहीं है बल्कि हमारे जो स्टेट के तमाम जो ट्राइब्स हैं 125 मेजर ट्राइब्स एंड 110 सब ट्राइब्स को सबको जुड़ने में बहुत बड़ा योगदान रहेंगे। और जितने भी आर्टिस्ट हैं आप सबको मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ और धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आपने इतना सुंदर मूवी बनाया है और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम शुभकामनाएं करते हैं। इन्हीं चार शब्दों के साथ মই স্পেশালি সদায় সুধি থাকোঁ কেতিয়া ৰিলিজ হ'ব। তো আজি সেই বস্তুটো ফলাফল আমি পালোঁ। আজিৰ দিনটো সঁচাকৈ ৰোয়িংবাসীৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট দিন। আজিৰ দিনটো যে এনেকুৱা এটা ফিল্ম য'ত নেকি আমি ব্ৰাদাৰহুড হিচাপে চবেই একেলগে মিলি ফিল্ম চাব পাৰিম আৰু এনেকৈ থাকিব পাৰিম, পিউচাৰত এনেকৈ থাকিম। যি হওক, আমাৰ অৰুণাচলত বহুত জাতি আছে, ভাষা বেলেগ, ড্ৰেছ বেলেগ, কালচাৰ বেলেগ, ট্ৰেডিশ্যন বেলেগ, এইবিলাক উপভোগ কৰিবলৈ আমাৰ কোনো সুবিধা নাই। তথাপি কেইটামান মানুহে কিছুমান ল'ৰাই এইবিলাক ভাবি চিন্তি কৰিছে। ইমান দিনৰ পৰা আমাৰ গাৰ্বন টাইঙে এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিবলৈ লৈছে, কিন্তু কিছুমানৰ কাৰণে অসুবিধাৰ কাৰণে ফাইনেন্সিয়েলে হওক বা কিবা কাৰণতে হওক ছাকচেছফুল হ'ব পৰা নাই। তথাপি আজি যে এই দিনটোত আমাক সবকে গোট খুৱাইছে বহুত ধন্যবাদ। আৰু সবে হয়তো ভাল পাইছে এইটোৰ কাৰণে। আমাৰ অৰুণাচল, আমি বেলেগ বেলেগ ফৰেইন কাণ্ট্ৰিত বা অন্য অন্য ষ্টেটৰ জেগাবিলাকত আমাৰ মানুহে প্ৰকৃতিৰ দৃশ্য যিবিলাক আমি ইয়াত নাপাওঁ চাবলৈ যাম এনেকৈ কৰে, তোৰ কৰে। কিন্তু ক'বলৈ গ'লে আমাৰ অৰুণাচলত এনেকুৱা জেগা নাই যে কোনো এটা পিছ পৰে থকা। আমাৰ ইয়াতো এনেকুৱা টুৰিজিমৰ স্পট আছে য'ত বৰফ, জলপ্ৰপাত, নানান চিনেৰি যেনেকৈ টুৱাং, মেচুকা, জিৰ, আনিনি এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ জেগা আছে, মানুহে চাবলৈ আহিবলৈ মন কৰে। मैडम टाइम ने भी बोला है, ये ऑनरेबल एमएलए ने भी बता चुका है कि हम लोग ने सदियों से देखते आया ईदू और आदि का लड़ाई। तो ना ईदू ने किसी का ज़मीन लिया आदि का, या आदि ने किसी ईदू का ज़मीन लिया, ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम कहीं नहीं है। आज तो हम लोग देखा ही नहीं पड़ा है, लेकिन हमेशा लड़ाई चल रहा है। ऐसा एक बार हुआ था, डीसी का ऑफिस तोड़ा, एडीसी का ऑफिस तोड़ा, शांतिपुर चेक पोस्ट बंद,
और ये सारा मार्केट सप्ताह सप्ताह महीना महीना पर बंद, गोला गोली मटकारा काटा काटी हुआ, कितना हॉस्पिटलाइज हुआ, तो आउटकम रिजल्ट कुछ नहीं है उसका। कोई दारू पी लिया, किसी को ठेल दिया, किसी आधे लड़का ने इधर लड़का को, हो आधे लड़का ने ऐसा कर दिया, कोई इधर लड़का ने आधे लड़का को ऐसा कर दिया, हो वो ऐसा उसने ऐसा किया, तो उसमें माँ पिताजी सारा समाज इन्वॉल्व होके कम्युनल में चला जाता है। तो हम लोग को फ्यूचर यही में रहना है, आदि हो या इडू हो, तो हम लोग भाई सारा से रहना चाहिए। ये सोच के मैंने दरबम भाई ने भी बोला ऐसा, भैया चलो हम लोग कुछ फिल्म बनाते हैं ये इडू और आदि के ऊपर में। तो हम लोग ने संघर्ष किया, मैंने डायरेक्टर साहब को बहुत गाली भी दिया, बाकी भाई लोग को भी कभी कोई मिसबिहेव भी किया होगा, क्योंकि काफ़ी समय लग चुका है इसलिए, काफ़ी समय लग चुका है इसमें, करीब 5 साल लग चुका है इसमें। कभी हंसी भी बात है, खुशी का भी बात है और दुख का भी बात है, कि हम लोग ने शुरू में, हम तो इतना परफेक्ट फिल्म मेकर भी नहीं है, डायरेक्टर भी नहीं, कभी नहीं बना, प्रोड्यूसर भी कभी नहीं बना, और हम लोग ने एसपी साहब को रिक्वेस्ट करके पुलिस इन्वॉल्व भी किया है ये फिल्म में। देखने से बहुत मजा भी लगता है, और इनर मीनिंग को समझिए आप लोग, अंदर में क्या है, इधर और आदि का बेस में ये क्या मतलब दे रहा है। सिनेमा में लड़का लड़की का डांस, ये बेली ऑफ लव एंड ब्रदरहुड, इसी में मीनिंगफुल है। आज जिस विषय के ऊपर हमारे जो पिक्चर रिलीज हो रहा है, कुछ सैकड़ों सालों से मैं इस पिक्चर के लिए हमेशा इंतज़ार था कब रिलीज होंगे, क्योंकि ये हमारे ज़िला के एक बहुत ही विशेष मुद्दा के ऊपर एक पिक्चर है, वो है कम्युनल हार्मनी के ऊपर। अरुणाचल हमारे देश की तरह, अरुणाचल में भी अपने आप में एक छोटी सी देश है, यहाँ विभिन्न समाज के लोग बसे हुए हैं, भिन्नता है हमारे आप अपने आप में, अलग अलग है, डिफरेंसेस है, फिर भी हम एकजुट होके एक स्टेट उभर के निकलता है। ये है हमारे प्रति एक कम्युनल हार्मनी, एक अखंडता से कैसे हम मिलके चलना है। इसी तरीका से ही अरुणाचल बना है, और इसी तरीका से ही अरुणाचल आगे बढ़ेंगे। कुछ सालों पहले हमारे ज़िला पे भी लोग, हमारे ज़िला को दर्जा दिया जाता था, सरकार हमारे ज़िला को दर्जा दिया जाता था कि बहुत ही कम्युनल सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है। इस पर हमारे दो बड़े कम्युनिटीज़ है, आदि कम्युनिटी, इडू कम्युनिटी, और दोनों कम्युनिटी मैंने देखा है, जितने भी सीनियर मेंबर्स हैं, जितने भी युवा हैं, एक दूसरे को तो सम्मान करते ही हैं, लेकिन कभी कभी छोटा छोटा एक दूसरों का पर्सनल दुश्मनी की वजह से एक इसको एक बड़ा चला के एक डिफरेंसेस बिटवीन द कम्युनिटीज लेके आगे बढ़ाता था, ये बहुत ही गलत बात होता था पहले। लेकिन हमारे लोग, हमारे आदि कम्युनिटी, हमारे एडू कम्युनिटी मिलके तय किया है कि पुराने बातें, पुराने चीज़ें हम कभी फिर दोहराएंगे नहीं, और इस तरीका से बहुत सालों से एक बहुत ही अच्छा वातावरण, एक बहुत ही अच्छा भाईचारा होकर हम लोगों ने ये डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़वाया है। सरकार के मदद के तरफ से, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर के मार्गदर्शन के ज़रिए से, और हम चाहते हैं कि इसी तरीक़ा से हम और आगे बढ़े, क्योंकि हमारे ज़िला पे बहुत ही पोटेंशियल है। जैसे हमारे गाड़ी पे मैं जब आ रहा था DCM साहब के साथ, सर्किट हाउस में भी वो जिक्र कर रहा था कि ये जगह पे इतना पोटेंशियल है, टूरिज्म पोटेंशियल है, और हमारे जो दोनों कम्युनिटीज है उस पर इतना रिच डाइवर्सिटी भी है, रिच खान पान, रिच वेशभूषा भी है। हमारे हिंदू का बहुत ही अच्छा एक टेक्सटाइल्स है जो हम शोकेस कर सकते हैं बाहर दुनिया को, हमारे आदि कम्युनिटी में कैसे एकजुट होकर कम्युनिटी मिलके केबांग करते हैं, ये ट्रेडिशनल जो अभी भी तेज़ी से बहुत ही जड़े हुए हैं इस ट्रेडिशन में, तो इसी को मिलके एक भाईचारा के हिसाब में हमें दिखाना है। और मेरे ख्याल से ये पिक्चर भी यही प्रयास करता है, ये दिखाने के लिए, शोकेस करने के लिए। तो आज मैं हमारे
दातुरे साहब को, नवा दातुरे को तहे दिल से, बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह का पिक्चर आपने कोशिश किया इस तरह का पिक्चर बनाने के लिए। हमारे डायरेक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने, मैं खुद भी जानता हूँ कि बहुत सालों से, बहुत जुनून से, और कभी कभी सुनता था कि हमारे जितने भी प्रशासन भी है, हमारे पुलिस अधिकारी भी है, इस पिक्चर में शामिल है, तो एक कलेक्टिव वे में ये पिक्चर उभर के निकला है। तो अभी जस्ट इंतज़ार है इसको देखने के लिए। तो इसी आशय में, इसी सोच में मैं यहाँ जितने भी लोग हैं आज इतने भारी मात्रा में आप उपस्थित हुए हमारा DCM का स्वागत करने के लिए और ये पिक्चर का रिलीज करने में, तो इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। और अंत में मैं फिर से हमारे DCM साहब को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ आज आके इस समारोह का रोशन और ऊपर कर दिया। थैंक यू वेरी मच। और वे एक मार्गदर्शक है हमारा नौजवानों के लिए। मार्गदर्शक इसलिए है कि ही इज ए वेरी वेरी प्रोमिनेंट एंड मोस्ट पॉपुलर एंड सक्सेसफुल फार्मर है, एग्रीकल्चरिस्ट है, बहुत मेहनती से अपने बल उन्होंने चाय बागान खोला, संतरा बागान खोला, रबर बागान खोला। अभी सुना है कि 200 हेक्टर से ज़्यादा उनका डॉक्टर मेलू जी को आज का दिन बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं है, सक्सेसफुल फार्मर नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है, बट एक सक्सेसफुल मोस्ट प्रोमिनेंट हार्ड वर्किंग सोशल वर्कर भी है। आज जो फिल्म बनाया है उन्होंने, प्रोड्यूस किया है, एक दो समाज को जोड़ने के लिए, यूनिटी एंड ब्रदरहुड, तो ये बहुत ही सराहनीय है। और एक हमारे लिए, सभी समाज के लिए एक लेसन है हमारे लिए, अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल वासियों के लिए। मैं उनका सभी टीम मेंबर जो भी है, कास्ट है, आर्टिस्ट है, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ख़ास तौर से उन्होंने बताया कि जर्बम टायंग जी जिन्होंने डायरेक्ट किया इस फिल्म को, उन्होंने भी बहुत बहुत कठिनाई का सामना करते हुए भी ये फिल्म को 5 साल लगने का बावजूद उन्होंने फिल्म को कंप्लीट किया, तो उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी यहाँ ढूंढने के पहले मैं उनको बताया था कि आजकल फिल्म बनाने में 6 महीना में, 2 महीना में फिल्म बन जाता है, 5 साल तो नहीं लगना चाहिए। तो आप लोग ने सुना किस परिस्थिति में है, पुलिस ने तो एडमिनिस्ट्रेशन ने एक आर्टिस्ट को पकड़ लिया, तो शायद बॉम्बे में होने से आर्टिस्ट को नहीं पकड़ता है, अरुणाचल में एक आर्टिस्ट को पकड़ लिया, तो एक फिल्म 5 साल के लिए रुकावट हो गया है। तो इस तरह का कठिनाई होता है अरुणाचल है। का मकसद तो यही था कि हमारे यहाँ दो कम्युनिटी रहते हैं, हमारे अरुणाचल के लोअर दिबांग डिस्ट्रिक्ट में, तो इसमें दो कम्युनिटी में कभी कभी आपस में झगड़ा होते हैं, मारकाट होते हैं, जानमाल का भी नुकसान होता है। तो इसको देखते हुए मैंने सोच लिया था कि चलो इस पर एक फिल्म बना देंगे, अगर हर किसी को मैंने इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा तो कम से कम एक दो को फ़र्क पड़ने से भी हो जाता है। तो इसी मकसद से मैंने ये फिल्म बनाया था। और इस फिल्म को बनाने में हम लोग करीब करीब 5 साल या 6 साल लगा दिया। उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, आर्टिस्टिक प्रॉब्लम था, और आज में जो फिल्म आप लोग देखने जा रहे हैं वो उस फिल्म का 3-4 जाने अभी तो इस दुनिया में भी नहीं है, कोई कोई तो मर भी गया है, तो उन लोग को भी मैं याद करता हूँ, हमेशा याद करता हूँ। तो वही इस फिल्म को बनाने का मकसद तो यही है कि यहाँ दो सोसाइटी में, दो हिंदू और आदि कम्युनिटी में ज़्यादातर अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, दो तीन एक दो के खराबी के कारण ये होता है, लेकिन अच्छे लोग चुपचाप देखते हैं, उन खराबियों को निकाल के लेके नहीं आते हैं। इसीलिए मैंने ये खराबी बढ़ते जाता है और आखिर में जाकर एक कम्युनल का रूप ले लेता है। तो दूसरा बात ये भी है कि हमारे बच्चों पर भी इस तरह का असर नहीं डालना चाहिए कि बचपन से एक दो साल से ये ईडू है, ये आदि है, इस तरह का सोच उन लोगों का दिमाग पर ना रखना नहीं चाहिए। ईडू और आदि का बात उन लोगों के सामने करना नहीं चाहिए, तो उन लोगों के दिमाग पर बैठ जाते हैं। वो लोग इस फिल्म का विलेन
ये जूना मेंडी ईडू का विलेन है गुंडा बॉस, और ये जतिन परतिन आदि का गुंडा बॉस है। ये दोनों में अगर फिल्म को देखेंगे तो लगेगा कि आप दोनों ये असली में भी जरूर जानी दुश्मन होते होंगे, लेकिन असल में ये एकदम एक अच्छे दोस्त है दोनों ना। और उसके बाद फिर ये भी होता होगा, ये भी आप लोग को लग सकता है कि ये दोनों अच्छी में खराब है क्या, खराब इंसान है क्या, लेकिन ऐसा नहीं है, दिल का बहुत अच्छा है, एकदम असली रियल लाइफ में बिल्कुल बढ़िया आदमी है दोनों। एक्चुअली आज जो यहाँ में दिखाया गया था, हम लोग का डीसीएम सर, हॉनरेबल डीसीएम सर जो इसको स्क्रीनिंग करके गया है, वो एक्चुअली रिलीजिंग नहीं है, स्क्रीनिंग शो है, आज का स्क्रीनिंग शो है। तो इसको रिलीज़ किया जाएंगे, सबसे पहले तो टोरिंग शो करेंगे आपका, जहाँ जहाँ में आप अरुणाचल में जहाँ जहाँ में हॉल है उसमें दिखाए जाएंगे। उसके बाद फिर सोचे जाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्लम हमको लगता है कि इसको यूट्यूब में डाले जाएंगे, यही है। दुश्मन है वो दोनों ना, मतलब नहीं चाहता कि हम लोग को मिलन हो बोल के, तो यहाँ बहुत स्ट्रगल किया हम दोनों आपस में मिलने के लिए, और फिर पिताजी और इसके पिताजी को फिर मिलाने में भी बहुत है कुछ। आप फिल्म को फिल्म में ना, तो वही है, एक ईदो आदि प्यार करते हैं, बट जो हम हमारा पेरेंट्स है उसको मंजूर नहीं है कि हम लोग एक हो, क्योंकि हम लोग अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। पर इसी में हम लोग ने दिखाया कि लाइक कि कम्युनिटी नहीं देख के हम लोग प्यार एक इंसान से होता है, तो इंसान से होने के बाद में अगर कम्युनिटी देख के उन लोग पेरेंट्स लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पर हम लोग चाह रहे कि हम लोग साथ हो, क्योंकि हम लोग इंसान को देख के कर रहे हैं। ये मूवी सब प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत किए, मतलब ये बहुत साल लगा और बहुत हम लोग ये बहुत मेहनत किया हम लोग सब मिलकर ना, हर सब टीम गुंडा हो गया, फिर डायरेक्टर हो गया, सब हम लोग मिलकर बहुत किया, हम लोग अच्छा लगेगा, बहुत वाह होने लेकिन बहुत पसंद लगेगा आप लोग को, प्लीज़ आप लोग सब आके देखिएगा। लाइक लेट होने का कारण वही था कि बहुत सारा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, और प्लस हम भी अपना स्टडी कर रहा था, तो उसके बाद उसको करने में थोड़ा तकलीफ हो रहा था, फिर इनका भी अपना जॉब था, तो ऐसे ऐसे होके बहुत सारा प्रॉब्लम आया, तो फाइनली जाके ये कंप्लीट हो गया है, तो ज़रूर देखिए, अच्छा लगेगा आप लोगों को। अरुणाचल प्रदेश का जो सुंदरता है, हाँ, इनका जो नेचुरल ब्यूटी है, इनका जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, ये आई थिंक इंडिया में सबसे बेहतरीन है। और ये जो सुंदरता है अरुणाचल के लोगों पे भी ये जो प्रकट होता है, तवांग से लेके कानूवारी तक हमारा जितना भी हमारा ट्राइबल सोसाइटी है, अगर देखा जाए तो उनका भाषा अलग है, हाँ, खान पान अलग है, हाँ, वेशभूषा अलग है, रीति रिवाज अलग है, फिर भी हम एक साथ सदियों से मिलजुल के बैठा है, हमारा एक दूसरा का साथ मैट्रिमोनियल रिलेशन भी है, सोशल रिलेशन है, सब कुछ है, हम मिलजुल के बैठे हैं। कभी कभी छुटपुट कभी कभी एक दो घटना हो जाता है, उसके कारण से कोई वेस्टेड इंटरेस्ट सोसाइटी में ले जाते हैं, कम्युनल के और ले जाते हैं, ये जब ख़राब बात है, ये कभी अरुणाचल में हुआ नहीं, सिर्फ हमारा अपना बीच नहीं, हमारा पड़ोसी राज्य है असम का साथ भी, हमारा ऐतिहासिक जो है हमारा रिलेशन है, हमारा सदियों से, आप शेडुकपेन का वहाँ का तरफ फिर जाओ, मनपा का साथ कहो, या निशी लोगों का साथ कहो, या हमारा सदिया में मिसमी आदि लोगों का साथ कहो, या हमारा खमटी सिंहफो लोगों का साथ कहो, असम का साथ भी हमारा बहुत फ्रेंडशिप जो है बहुत जोड़ा हुआ है। तो ये जो हमारा जो फ्रेंडशिप है अपना बीच, जो हमारा यार दोस्ती है, ये कोई भी ताकत हमको ये डिवाइड नहीं कर सकता है। तो इसीलिए ये जो फिल्म आज दत्तोरे मिलू जी ने किया है, उनका जितना भी आर्टिस्ट है, डायरेक्टोरियल टीम है, सभी को मैं बधाई देता हूँ, इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा कि हम सब एक है, अरुणाचलवासी एक है, हमारा जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसका एक अच्छा हमारा समाज में और ख़ास तरह से हमारा नौजवान को एक मैसेज जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश का जो ब्यूटी है, सुंदरता है, इसी में है ब्यूटी इन डाइवर्सिटी। आज अरुणाचल आइडल है, अरुणाचल का टैलेंट है, अरुणाचल ब्यूटी क्वीन है, या स्पोर्ट्स में हो, सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है हम लोग ने, सरकार ने एक प्लेटफॉर्म तैयार। आज देखो स्पोर्ट्स में हमारा आर्चरी हो,
वेट लिफ्टिंग हो, सभी में हमारा नेशनल लेवल में जाके खेल के आ रहा है। हम चाहता है कि इंटरनेशनल में भी जाओ, मेडल जीत के आए। अभी ओलंपिक अभी आने वाले हैं, टोक्यो में भी जाए हमारा बच्चा, जीत के आया। इसी तरह हमारा संगीत में हो, आर्ट में हो, गाना गीत में हो, सभी में जो हमारा टैलेंट है उसको उभरने के लिए, उसको अपना टैलेंट प्रकट करने के लिए सरकार का तरफ से जो भी मदद है हम मदद दे रहा है। और आने वाले समय में भी, अभी हमारा बजट बनने वाला है, तो बजट बनने से हमारा जितना भी यंग टैलेंट्स है हम उनको कुछ सरकार का तरफ से एक प्लेटफॉर्म, अच्छा प्लेटफॉर्म अपने सस्टेनेबिलिटी के लिए जो भी सुविधा होगा वो हम देंगे ज़रूर।